जिस तरह सर मंगेश यादव का एनकाउंटर किया गया है, योगी जी कहते हैं कि जब आतंकियों और गुंडों को मारा जाता है और जब पुलिस मुठभेड़ में कोई मारा जाता है तो समाजवादी पार्टी कहती है ये तो जातिगत हो रहा है। ये जब से सत्ता में भारतीय जनता पार्टी आई है जी, एक जात विशेष को निशाना बनाकर कार्रवाई कर रही है और ललकार के मुख्यमंत्री कहते हैं, ललकार कहते हैं और कार्रवाई करते हैं माइनॉरिटी मुसलमान के ऊपर, यादवों के ऊपर इनका निशाना होता है और उनकी उसी पे ऊपर ही कार्रवाई करते हैं। अन्य जो इनके तमाम और भी देश के अपराधी पड़े हुए हैं उनके ऊपर कोई भी सरकारी कार्रवाई नहीं होती है। हम भी मौके पर गए थे और मंगेश यादव की बहन ने जो बताया, रो रो करके जो बयान दिया कि जिस दिन सुल्तानपुर में घटना घटी उस दिन मेरा भाई मुझे छोड़ने के लिए कॉलेज गया था, मुझे फीस जमा करना था। प्रकाश राजभर ने कहा कि आधार देखकर पुलिस मुठभेड़ में पुलिस थोड़ी न मारेगी, भेड़ कर रहा। राजभर का बयान है, उनसे आप पूछिए वो क्या कहें, क्या सोच के कहें, वो तो कब क्या किसको कह देंगे, कब किसके बारे में क्या कहेंगे, जो है वो वही जाने जो है, उनके बयान के बारे में हम कुछ नहीं। साथियों नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रमन, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान की बात। जब से मंगेश यादव का एनकाउंटर हुआ है उत्तर प्रदेश की सियासत भी गरमाई हुई है। सवाल इस बात का है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का कहना है कि जब भी गुंडा और बदमाशों पर गोली चलती है तो समाजवादी पार्टी को लगता है कि गलत हो रहा है। इन्हीं सभी मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ समाजवादी पार्टी के सांसद पूर्व वर्तमान विधायक तूफानी जी हैं, वो जो कि समाजवादी पार्टी के प्रखर नेता हैं। बहुत स्वागत है सर बातचीत करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। जो है जिस तरह सर मंगेश यादव का एनकाउंटर किया गया है, योगी जी कहते हैं कि जब आतंकियों और गुंडों को मारा जाता है और जब पुलिस मुठभेड़ में कोई मारा जाता है तो समाजवादी पार्टी कहती है ये तो जातिगत हो रहा है। ये जब से सत्ता में भारतीय जनता पार्टी आई है जी, एक जात विशेष को निशाना बनाकर कार्रवाई कर रही है और ललकार के मुख्यमंत्री कहते हैं, ललकार कहते हैं और कार्रवाई करते हैं माइनॉरिटी मुसलमान के ऊपर, यादवों के ऊपर इनका निशाना होता है और उनकी उसी पे ऊपर ही कार्रवाई करते हैं। अन्य जो इनके तमाम और भी देश के अपराधी पड़े हुए हैं उनके ऊपर कोई भी सरकारी कार्रवाई नहीं होती है। तो जिस तरह से आपके ऊपर आरोप लगाते हैं योगी जी और भारतीय जनता पार्टी कहती है, अखिलेश जी जब यादों को कुछ गोली लगती है बदमाशों को तो ये अखिलेश जी का मुंह खुलता है, अन्य किसी के ऊपर जब गोलियां चलती हैं इनकाउंटर होता है तो कोई नहीं बोलता। नहीं, ऐसी बात नहीं है, अन्य पर भी जहां का भी अत्याचार होता है, चाहे कोई भी हो, झगड़ा हो चाहे पिछड़ा हो, अभी तो कानपुर में अगड़ी जात के ऊपर अत्याचार हुआ था, बुलडोजर चला के किसी ब्राह्मण घर दिया गया था, बुलडोजर चलाया गया, उसमें भी राष्ट्रीय अध्यक्ष ने पूरी भूमिका निभाई, पूरा आगे आए जो है और पूरा जो है उन्होंने प्रेस वार्ता किया, मौके पर भी गए। ऐसी बात नहीं है कि खाली यादवों के ऊपर अत्याचार हो रहा है तो यादवों के बारे में खूब बोलते हैं, अन्य के बारे में नहीं बोलते, सबके बारे में बोलते हैं। इस प्रदेश में जो भी है सबका सम्मान हृदय से राष्ट्रीय ध्वज करते हैं। आप कैसे देखते हैं मंगेश यादव का एनकाउंटर, कहीं ना कहीं चर्चा का विषय है, हम तो देखते हैं पूरे प्रदेश स्तर पर इसकी चर्चा तेजी से चल रही है। ये मंगेश यादव का मामला जहाँ तक है और हम भी मौके पर गए थे और मंगेश यादव की बहन ने जो बताया, रो रो करके जो बयान दिया कि जिस दिन सुल्तानपुर में घटना घटी उस दिन मेरा भाई मुझे छोड़ने के लिए कॉलेज गया था, मुझे फीस जमा करना था, ये उसका बयान था। और 2 तारीख रात को पुलिस उसके घर से उठाई जो है, और उठाते समय उन्होंने ही कहा कि किसी को भी अगर ज़रा सा जानकारी दोगे तो तुम्हारे भाई की हत्या कर दी जाएगी, ये उठा करके घर से ले गए और 5 तारीख उन्होंने काउंटर में दिखाया, घटना में दिखाया जो है। तो ये कहीं न कहीं से कोई न कहीं सुयोजित चाल है सरकार की जो है, जो आदमी उस लूटकांड में नहीं था, और आप उसका वीडियो देखिए जो लूटपाट की जा रही है उसको वीडियो देखेंगे तो कहीं से भी ये लड़का उसमें जो है लूटपाट करने वालों में नज़र नहीं आता है। इसलिए हम जो उसके परिवार के लोगों ने बयान दिया उससे हम सहमत हैं और उस परिवार के हर तरह से हम सहयोग करने के लिए तैयार हैं। तो मंगेश यादव का जो इनकाउंटर हुआ इस पर समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन भी गया, कांग्रेस का भी डेलीगेशन गया, आप भी गए थे, क्षेत्र के सभी नेता जा रहे हैं, तो वहाँ जाकर आप लोगों को और क्या समझ में आया मंगेश यादव को? नहीं, समझ में आया जो उसके परिवार के लोगों ने बताया वही ना हम समझेंगे। मैं उनके परिवार के लोगों जो बयान दिया कि ये जो है परिवार के लोग, गांव के लोगों ने बताया कि ये तो 28 तारीख घटना के दिन यही था जो है, तो कब से जो है वहाँ सुल्तानपुर के डकैती में गया, लूटपाट में गया, तमाम लोग और भी लोग थे, उन्होंने बयान में बताया अपने कि ये 28 तारीख जिस दिन की घटना है उस दिन ये मंगेश इसी गांव में था, इसी घर में था जो है। एक चीज़ और, बक्सा थाने पर उसके खिलाफ कोई मुकदमा नहीं है, गांव में भी उसकी छवि हम भी गए थे, लोग बता रहे थे।
अब देखिए, मैं तो कहा आपको ना, सरकार जिसको चाहे उसको अपराधी बना दे, जिसको चाहे तो इसको संत बना दे, साधु बना दे, ये तो सरकार के बाएं हाथ का खेल है। अभी आप बैठे हैं, आपके पास आएगा तो मीरगंज में 50 मुकदमा ला दे, 50 मुकदमा दिखा दे, आपको अपराधी घोषित कर दे, आपको इनामिया घोषित कर दे, ये तो सरकार के बाएं दाएं का खेल है, जो है किसी को भी अपराधी बना सकती है। उसके परिजन कहते हैं कि 2 बजे उठा कर ले जाते हैं, फिर धमकाते हैं और 2 दिन बाद इनकाउंटर करते हैं। हाँ, वही तो बात मैंने कहा ना कि उसके परिवार के लोगों ने जिस तरह से बयान दिया, उससे साफ जाहिर हुआ कि ये मंगेश दूर दूर तक उस घटना चक्र में नहीं रहा, इसका कोई उसमें भूमिका नहीं रही है। जो बिपिन सिंह है, कहते हैं 34 मुकदमे उसके पास हैं, दुर्गेश सिंह मेन मास्टरमाइंड माना जा रहा है, तमाम लोग थे। क्या मंगेश यादव के ऊपर तो कोई संगीन बड़े मुकदमे नहीं थे, वही छिनैती के तमाम मुकदमे बताए जा रहे हैं? अब वो सरकार कुछ भी बता सकती, उसके ऊपर कोई मुकदमे नहीं था। एक मुकदमा जो है छिना झपटी, लोगों ने आपस में मारपीट किया था, मोटरसाइकिल जा रहे थे, मोटरसाइकिल लड़ गई थी, जैसा सुल्तानपुर में बताया गया थाने में कि ये मोटरसाइकिल के विवाद को ले करके उसके ऊपर जो है छिनैती की घटना डाली गई थी, जिसके बारे में उसके पिताजी ने कहा कि मैंने जमानत कराया था। इसके अलावा एक भी घटना जो है उसने कोई किसी भी घटना में उसका नाम नहीं है। अब सरकार काउंटर कर करके तमाम घटना बतावे, तमाम जो है इनामिया घोषित करे, जो है ये तो सरकार जिसकी है, इनकी सरकार है, इस तरह जब सोच से चल रही है और ख़ासतौर विशेष से एक जात विशेष को इंगित करके ये कार्रवाई कर रहे हैं, तो चाहे जितना भी चाहे उतना मुकदमा दिखा सकते हैं। ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि आधार देखकर पुलिस मुठभेड़ में पुलिस थोड़ी न मारेगी, अब वो पुलिस से मुठभेड़ कर रहा है। राजभर का बयान है, उनसे आप पूछिए वो क्या कहें, क्या सोच के कहें, वो तो कब क्या किसको कह देंगे, कब किसके बारे में क्या कहेंगे, जो है वो वही जाने, जो है उनके बयान के बारे में हम कुछ नहीं कमेंट करेंगे।